खबर पोहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम घटाई की है, जहां अज्ञात चोरों ने एक मकान में सैन लगा दी है और मकान से अज्ञात चोरों ने आभूषण सहित कुल 60,000 रुपए की चोरी कर ली, जिसकी सूचना फरियादी ने पोहरी थाना पहुंचकर दी है, जहां पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर मामला दर्ज कर लिया है। घटनाक्रम की जानकारी के अनुसार फरियादी पदम पुत्र फगुराम उम्र 32 साल निवासी घटाई ने थाना पहुंचकर बताया कि रात को अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़ा और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर से धारा 457-380 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सामान ऐसे फैला रहा था, इसमें से क्या गया है? इसमें से क्या गया सर? 2 कट्टा जी, 7 कट्टा रखी थी, 2 कट्टा नहीं है इसमें जी, 5 ही रह गए। 700 के 2 कट्टा नहीं, लैपटॉप नहीं लगा, 2 कट्टा गए 700 के। 700 में 20,000 रुपये दर थी जी, कपड़न में जी डी बुक का बुक पहली ड्राम में 22,000 रुपये के थे। अच्छा, ऊपर से कपड़े भर रहे थे जी फालतू। जो कौन है घर है जी? राम किशन का। राम किशन का, ठीक। और यादी मान रखी है, स्वामी रखो, कुछ नहीं ले गए, बस 2 कट्टा ले गए। और 20,000 रुपये ठीक। क्या कुछ पूरा करना है जी? थाना क्षेत्र के ग्राम घटाई में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा कुछ आभूषण और रुपए की चोरी कर ली गई है, जो कि बस रुपया लगभग 8-65,000 रुपए के आसपास है, जिसमें हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना जारी कर दी गई है। जल्द से जल्द चोरों को पकड़ लिया जाएगा।